मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं निकालता तो प्रधानमंत्री क्या करते? केंद्र में बैठी एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर जल रहा। प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर, उनके कपड़े उतारकर, उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं निकालता तो प्रधानमंत्री क्या करते? 2 महीने में 130 चर्चिस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60000 गोलियों को लूटा गया, 50000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं, सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इनको ऑर्डर करेंगे। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको, आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्यवाही की होती तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांप न उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेन सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है, आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है, उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, FIR हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं, इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ हो, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है, ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निशंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो 2 शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। आपका दिल पीड़ा से भरा है, आपको क्रोध है, ना आपकी पीड़ा दिखती है ना आपका क्रोध दिखता है, क्योंकि दिखती वो 2 नंगी औरतें हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था और आप विदेशों की यात्रा करते रहे, आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहे। माफी मांगिए मणिपुर से,
माफी मांगिए मणिपुर की औरतों से, माफी मांगिए देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्वस्त्र है, जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है। शर्मानी चाहिए आपको। दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं आप। क्योंकि कम से कम 80 दिन से ये घटना घट रही है, जब 80 दिन से घट रही है इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुपचाप है और वो फ्रांस, इजिप्त, उधर इधर सब जगह जाके आए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किए, लेकिन मणिपुर उनको याद नहीं है। और मणिपुर में जाके कम से कम एक मीटिंग करके लोगों को बुला के सांत्वन कर सकते थे। वहाँ पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। इंसानियत को तार तार कर देने वाला, मानवता को तार तार कर देने वाला एक बेहद दर्दनाक वीडियो मणिपुर से सामने आया है और उस वीडियो ने मुझे लगता है भारत देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। दुख की बात यह है कि केंद्र में बैठी एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर जल रहा है, उस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या यह है हमारी 21वीं सदी का भारत? क्या यह है हमारा न्यू इंडिया? क्या ये वो भारत है जिसके विकास की गाथा प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर गाते हैं? 38 दलों की एनडीए की बैठक हुई, मैं पूछना चाहता हूं क्या उन 38 दलों में से एक भी राजनीतिक दल ने या एक भी नेता ने आकर प्रधानमंत्री जी से पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? उन 38 में से बता रहे हैं कि 10 राजनीतिक दल तो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। क्या एक भी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से जाकर या बीजेपी के किसी भी जिम्मेदार नेता से ये नहीं पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? चुनावों के दौरान ये लोग कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार लाओ, राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, डबल सरकारें होंगी, डबल इंजन की सरकार चलेगी। आज भारत देश के लोगों को समझ में आया कि डबल इंजन का असली मतलब क्या है। डबल इंजन का मतलब है डबल बर्बरता, डबल इंजन का मतलब है डबल हैवानियत, डबल इंजन का मतलब है डबल शोषण जो मणिपुर में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काबिल नहीं है।